इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज इतना इन थ्री स्कीम्स ए बी एंड सी एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना इतना एंड इतना परसेंट पर एनम रिस्पेक्टिवली। ओके, एक पर्सन है जो कि टोटल अमाउंट लगाता है कितना, 80,000, ठीक है, तीन स्कीम्स में, ए बी और सी में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो आपके पास है वो कितना है, 12% है यहाँ पर, ये आपके पास 21% है और ये आपके पास 15% है, ठीक है। उसने बोला है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज़ 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। मतलब क्या, इसमें आपके पास जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा अगर वो आपके पास 3x है तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है 50% ज़्यादा है बी से, तो ये अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना, 80,000 माइनस 5x, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इफ़ ही गेट्स टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इतना इन थ्री ईयर्स। तीन सालों में टोटल अमाउंट उसको ये मिलता है, मतलब क्या, यहाँ पर थ्री ईयर्स, यहाँ पर थ्री ईयर्स, यहाँ पर थ्री ईयर्स, ठीक है। तो एक चीज़ को समझिए, अगर हम बात करें यहाँ से आपके पास जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 45% ऑफ 3x, यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 63% ऑफ 2x, यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 36% ऑफ 80,000 माइनस 5x, ठीक है। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 36 इंटू 800 माइनस 30 या फिर 15180x%, ठीक है, प्लस ये आपके जो है 6126x% प्लस 15135x%, ठीक है। ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट आया, अगर हम इसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल आपके पास कितना था, 80,000 था, ये इक्वल टू किसके, 116900 के। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास कितना लगेगा, देखो 48 24 28 00, ये आपके पास जाएगा कितना, प्लस 81x% इज इक्वल्स टू 36900। तो 81x% इक्वल टू हो जाएगा किसके, 8100 के। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये आपके पास 100 हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपके पास 10,000 है, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20,000, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30,000, और ये आपके पास फिर रिमेनिंग कितना, 30,000 ही आएगा, ठीक है। तो उसने बोला गया कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था, 30,000, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।